भाई पेस के साथ ना अकलमंदी भी चाहिए होती है, जो उमरान मलिक को बड़े से बड़े उनके क्रिटिक भी समझाने की कोशिश करते हैं, हम इस शो पे भी बोलते हैं, वहां पे शोएब अख्तर भी बोल चुके हैं, पूरी दुनिया बोल रही है भाई, वो भी यही बात कर रहे हैं, पेस बहुत अच्छी है लेकिन लेंथ की बात हो रही है। पता है कि शाहीन नई गेंद के साथ क्या कर सकता है? और भाई हमें भी पता है, ये तो देख लिया, ये तो हमें भी पता है, ये तो हिंदुस्तानियों को भी पता है, शाहीन का तो हिंदुस्तानियों को भी पता है कि नई बॉल के साथ क्या कर सकते। मैच विनिंग फिर बॉलिंग जो हारिस ने करी, जो 5 विकेट निकाली, मेरे ख्याल यार हारिस ने आज अल्टीमेट बॉलिंग करी है, हारिस ने 30 से खत्म की एक बार। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो की हाइलाइट्स में देखा है कि इंडियन मीडिया पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ करना शुरू हो चुका है, लेकिन बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उन्होंने जीत के बाद एक अहम बयान दिया, एक अहम स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने इंडिया के साथ पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की है। कुछ ही सेकंड्स में आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने बाबर आजम की तारीफ तो की, साथ साथ शाहीन और हारिस रऊफ की भी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दिखाई है उसके बाद रेड अलर्ट करार दे दिया गया है पाकिस्तानी टीम को। इंडियन मीडिया का रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त है, कुछ ही सेकंड में आप पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बाबर आजम की तारीफ करना शुरू हो चुकी है इंडियन मीडिया, और बाबर आजम ने डायरेक्ट इंडिया को मुखातिब करके कहा है कि ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। चले वीडियो की जानी पढ़ते हैं और देखते हैं। बाबर आजम पाकिस्तानी स्किपर क्या बोल रहे हैं, एट द टॉस felt the wicket was a bit dry, unko laga ki thodi si dry wicket thi, we lost wickets up front and then imam and iftikhar played a good hand in getting us to a decent total, matlab ki humne jaldi wickets lose kar di magar iftikhar aur imam ne acha khela, theek hai na, we just tried to hit the hard length with the ball and build more dot balls in the power play, matlab humne power play mein aur dot balls khilane ki koshish kari aur length ki baat kari, dekh ye bhi length ki baat kar rahe hain भाई, पेस के साथ ना अकलमंदी भी चाहिए होती है, जो उमरान मलिक को बड़े से बड़े उनके क्रिटिक भी समझाने की कोशिश करते हैं, हम इस शो पे भी बोलते हैं, वहां पे शोएब अख्तर भी बोल चुके हैं, पूरी दुनिया बोल रही है भाई, वो भी यही बात कर रहे हैं, पेस बहुत अच्छी है लेकिन लेंथ की बात हो रही है, हराया कहां, लेंथ से हराया, तो वी जस्ट ट्राई टू हिट द हार्ड लेंथ विद द बॉल एंड बिल्ड मोर डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले, वी ऑल नो व्हाट शाहीन कैन डू विद द न्यू बॉल, हमें पता है कि शाहीन नई गेंद के साथ क्या कर सकता है, ओ भाई हमें भी पता है, ये तो हिंदुस्तानियों को भी पता है, शाहीन का तो हिंदुस्तानियों को भी पता है कि नई बॉल के साथ क्या कर सकता है। उसके बाद वी ऑल नो व्हाट शाहीन कैन डू विद द न्यू बॉल, द वे हारिस रऊफ बोल्ड द स्पेल वॉज गेम चेंजिंग, मेरी जान गेम चेंजिंग तो 2 पे आउट हो गया था, गेम चेंजिंग तो 3 पे खत्म हो गया था, उसने आके चौथी भी ले ली, वहां तक तो 20-4 थे, मैच डेड था एक तरीके से, बट मैच विनिंग फिर बॉलिंग जो हारिस ने करी, जो 5 विकेट निकाली, मेरे ख्याल यार हारिस ने आज अल्टीमेट बॉलिंग करी है, हारिस ने 30 से खत्म की। एक बार बताऊं, क्रिकेट इतनी बड़ी चीज है ना, आप बेन स्टोक्स को याद करो, उस आदमी ने लास्ट ओवर में 4 छक्के खाए थे ब्रेथविट से, आज ब्रेथविट को कोई नहीं जानता, ब्रेथविट को कोई नहीं जानता, बेन स्टोक्स लगातार 2 वर्ल्ड कप जिता चुका, खुद खड़ा हुआ वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में, खड़ा हुआ था एंड तक, बैटिंग कर रहा था, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट किसने फिनिश किया, बेन स्टोक्स ने फिनिश किया। हारिस रऊफ इतनी अच्छी बॉलिंग करा के वर्ल्ड कप में, यही याद रहता है सबको कि विराट कोहली ने 2 छक्के मारे, बट ये इंप्रूव होके आया भाई, ये आज इसकी बॉलिंग और इंप्रूव होके लग रही थी, सो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्रिकेट इज अ वेरी बिग थिंग, अगर आप हार्डवर्क करके लगे रहो अपने आप को इंप्रूव करना होगा ना, आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। यार उसको देख लो ना, आप अभी रिटायर हुआ है आपका इंग्लिश बॉलर जिसको युवराज ने 6 छक्के मार दिए थे, ब्रॉड स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मार दिए युवराज सिंह ने, उसके बाद आप करियर देखो, टेस्ट मैच में देखो उसके बाद, तो ये हारिस का भी मुझे ये लग रहा है, जो आज मैंने बॉलिंग देखी है, नसीम एंड शाहीन नो डाउट वेरी गुड, बट हारिस तो नेक्स्ट लेवल ही लग रहा था यार, नेक्स्ट लेवल, जैसे हारिस तो अलग लेवल पे लग रहा था, उन्होंने पूरा बेस सेट किया, लेकिन जैसे कि ना टू गेट द थिंग्स फिनिश्ड ऑफ, चीजें खत्म करने वाला काम उन्होंने किया, और सबसे बड़ी बात हारिस ने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जिसको खो गया अफगानिस्तान के राशिद खान, उसको पहली बॉल पर आउट किया, हम सभी ने देखा राशिद खान खत्म हुए मैचेस में आग भरते थे, चौके छक्के लगाकर आड़े टेढ़े, अच्छा इसमें आता है आई ऑलवेज, उसके बाद बोला उन्होंने द वे हारिस बोल्ड दैट वाज दैट स्पेल वाज गेम चेंजिंग, नो डाउट अबाउट इट, मैन प्लेयर ऑफ द मैच, वो ये 5 विकेट ले गया यार हारिस रऊफ, 6.2 ओवर्स विद 5 विकेट्स 18 रन के, आई ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट एज अ बैटर एंड कैप्टन, sometimes you win sometimes you lose, it happens in the game of cricket, we want to stay positive, matlab ki ye unhone bola tha ki unse pucha gaya ki aap duck pe out ho gaye,
तो जब भी आप डक पे आउट होते हो तो बड़ी बात होती है, आप पे प्रेशर आता है। तो बाबर ने ये बोला, भाई मैं डक पे आउट हो जाऊं, टीम जीत जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा बोला उसने। और यही यहां पे बोला कि आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट एज बैटर एंड कैप्टन समटाइम्स, कि मैं पॉजिटिव रहूं और हमें अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू करना है, लूज नहीं करना। आज अगर जो भी देख रहे हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा प्लस पाकिस्तान के लिए कि 200 पे आउट होने के बाद डोमिनेट करके जीते हैं यार, मैच क्लोज भी नहीं हुआ। और ये वही अफगानिस्तान की टीम है जो आपको T20 में सीरीज हरा के आ रही है। बैटिंग से ही हराया था ना उन्होंने, बॉलिंग से भी हराया लेकिन बैटिंग तो करी थी ना। आज उनकी बैटिंग से 60 रन ही बने, वेरी वेरी बिग प्लस एंड आई थिंक वेरी मैच्योर स्टेटमेंट बाय बाबर आजम, जो उनसे डक के ऊपर भी पूछा गया तो उन्होंने बड़ा हम्बल तरीके से बताया, है ना। एक ये स्टेटमेंट है, एक हमारी स्टेटमेंट होती है हार के, जहां हमारे लड़के खुश हो रहे होते हैं, प्रोसेस होता है कि ये तो जी यूनिक है और ये जो भी है, कभी कभी हारना अच्छा होता है और खुश, मतलब खुश तो नहीं लेकिन अपनी मतलब इनसिक्योरिटीज हटाने के लिए या कॉन्फिडेंट ज्यादा दिखने के लिए हंसना जरूरी है। मेरे को नहीं लगता कि मैच हार के हंसना कोई अच्छा पैगाम देता है, ये तो मैच जीत के भी नहीं हंसते। अगर आप देखोगे तो ये तो मैच जीत के मतलब हंसते जरूर है बाकी, और बाबर को देखो, आप कप्तान को देखो कितना लेवल हेडेड रहता है, काम हम्बल रहता है, अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। तो बाबर आजम ने आज डक पे जरूर आउट हुआ। देखो भैया, जब तक वो बैटिंग अच्छी नहीं करेगा ये लोग टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। बॉलिंग की इनकी तारीफ है, पहले से कर रहा हूं, करता रहूंगा, मगर जब तक ये अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे तो बड़े ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको ये नहीं है ना कि ये सच हर बात मैच है। में हर मैच में टॉस जीत के आपको पहले बैटिंग करनी है, जहां पर आपकी पहले बॉलिंग आ गई, बॉलर्स ने चलो बॉलिंग बड़ी बढ़िया कर ली, बॉलर्स जितना मर्जी रोक लिया, लेकिन जब आपकी टीम को सामने से बाद में चेज करना है, अगर उसमें आप कुछ करके तब खड़े पैर बॉलर्स को क्या कहोगे। आपको बैटिंग बॉलिंग वर्ल्ड कप ऐसे नहीं जीते जाते, वर्ल्ड कप सिर्फ बॉलर्स के बल्लेबाजों की सिचुएशंस भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप बाबर के स्टेटमेंट पॉइंटर्स और सुन लो जरा, आओ ये भी बाबर ने कल बोला था, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव 100% ऑन द फील्ड। सारी पॉजिटिव बातें ही कर रहा है, चाहे डक पे आउट हो रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं, जिताऊंगा, ये करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। सेल्फ बिलीफ इज एज हाई एज टीम, मतलब हमारा सेल्फ बिलीफ एज अ टीम बहुत हाई है। Excited for Asia Cup and World Cup, but taking one series at a time. पहले एक सीरीज खेलेंगे अफगानिस्तान, फिर खेलेंगे एशिया कप, फिर खेलेंगे वर्ल्ड कप, लेकिन excited सबके लिए हूँ। Playing in Asian conditions before big tournament will be an advantage. Advantage तो है आज, पता लग गया बिल्कुल, क्योंकि आप एशिया कप खेल रहे हो एशियन कंडीशन में, आपको श्रीलंका में एशिया कप खेलना है, इंडिया में आपको वर्ल्ड कप खेलना है, एडवांटेज आपकी तैयार है। फहीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर काफी उन्होंने फिर बोला, ऑन फहीम अशरफ सिलेक्शन वी आर लुकिंग एट हिम एज एन ऑलराउंडर, इट विल गिव बैलेंस टू आवर साइड। ये लक्षित आप कल भी इस पे बात बता रहे हैं कि तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है ना आपके पास, हमेशा डिफरेंस क्या रहता है कि आपके पास एक तेज बॉलर ऑलराउंडर नहीं, जैसे इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स, सैम करन, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर उसमें आप ले आए, न्यूजीलैंड के पास जिमी नीशम की कैटेगरी का प्लेयर आ जाता है, हालांकि वो शायद खेले, शायद खेले वर्ल्ड कप, हाँ शायद उनके ऊपर रहेगा, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया देखो, कैमरन ग्रीन है, उनके पास भरमार है, ये तेज गेंदबाज ऑलराउंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आज के टाइम पे पैमाना है, कि किसी ट्रैक पर जब सपोज कर अहमदाबाद में खेल रहे हो, अहमदाबाद में स्पिनर्स उतने ज्यादा कारगर नहीं रहेंगे पाकिस्तान के लिए, वहां पर आप अगर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर का ऑप्शन चाहिए जो बैटिंग भी कर ले, सुपर चैट दिखा दीजिए, सुपर चैट दिखा दीजिए, तैयब ताहिर जैसे हम तेलंगाना वर्मा को लाए, फहीम अशरफ किन्हें ले, बोला फहीम अशरफ की सिलेक्शन पे कि भैया आप बैलेंस करने के लिए, तैयब ताहिर पे बोला कि जो उसने इमर्जिंग एशिया कप में 100 मारा फाइनल में उसकी वजह से, साउथ शकील पे बोला ही हैज चेंज्ड हिज अप्रोच एंड बाइंग सच अ बैटर व्हिच इज अ ट्रीट टू, हालांकि अभी खेलेंगे नहीं, तो नहीं खेलेंगे, और हंगर टू परफॉर्म फॉर द टीम इज देयर इन एवरी इंडिविजुअल, ये सबसे बड़ी बात है बॉलर्स में देखिए कि हंगर टू परफॉर्म, यार नहीं बैटर ने भी मिडिल ऑर्डर से फाइट तो मारी है, शादाब ने 39 बनाए, अगर आपका मिडल ऑर्डर इनके बुरे हाल हो गए थे, अगर स्टार्ट का चोक खोलने के बाद मिडल ऑर्डर 250 के ऊपर ले जाता ना, आप कहते कि फाइट वो सफल थी, आज आपकी फाइट थी बट दैट फाइट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल व्हिच यू कैन से, नहीं उन्होंने शुरुआत करा आप कह सकते हो, आगाज किया पर अंजाम तक नहीं लेकर जा पाए ये आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखो तो 2 विकेट चली गई थी, इमाम ने जिस तरीके से वहां पे संभाला, स्पिन के अगेंस्ट जिस तरीके से बैटिंग करी, तो वो वहां पे देख लो, बाकी पर बाबर ने तो कहा है ना ऑलरेडी कि हम हर मैच में अलग अलग मैच विनर चाहते हैं, कि हमारी टीम में जो भी मैच हम खेले हर एक मैच में मैं चाहता हूँ कि अलग अलग मैन ऑफ द मैच बने,
जैसे आज हारिस को मिली है, किसी मैच में कोई और प्लेयर परफॉर्म करे, तो अल्टीमेटली इनका गोल यही है कि ये बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले चाहते हैं कि हर एक मैच में अलग अलग इंडिविजुअल इनके लिए स्टेप अप करें।